चिकन पर फॉर्क से ऐसे निशान बना लें, फॉर्क या शाश्लिक स्टिक से ऐसे निशान बना लें, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह चला जाए। एक बाउल में एक चाय का चम्मच नमक या हसबे जायका नमक डालें, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, एक कप सिरका डालें और एक खाने का चम्मच चिकन पाउडर डालें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब चिकन को सिरके वाले मटेरियल में डिप करके रख दें कम से कम 2 घंटे के लिए। मैंने 3-4 घंटे के लिए किया, लेकिन आपने अगर कम टाइम नहीं है आपके पास तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डिप करेंगे तो चिकन ज़्यादा टेंडर अच्छा हो जाता है जाता है। अनियन पाउडर 2 टेबलस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, मस्टर्ड पाउडर 2 चाय के चम्मच और थाइम 1/2 चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल लें वरना ज़रूरी नहीं है। अब एक बाउल में 1 किलो मैदा डालें और उसमें वो सारे मसाले, ये सारे मसाले डाल लें जो मैंने आपको बताए हैं। अब विस्क से इन्हें अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लें। अब आपको जो छोटा बाउल नज़र आ रहा है उसमें मैंने सिंपल मैदा डाला हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, कोई मसाले उस मैदे में नहीं डाले हुए हैं। और जिस बाउल में आपको बर्फ़ नज़र आ रही है इसमें मैंने दही और पानी मिक्स करके एक मटेरियल बनाया था और उसमें बर्फ़ डाल दी थी। ठंडा पानी होना चाहिए, पानी गर्म नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने बटर मिल्क में चिकन के पीस को डिप करना है, फिर जो सिंपल वाला मैदा है उसमें डिप करना है और फिर मसाले वाले मैदे में इसे अच्छी तरह रोल करते जाना है। आपने मुझे देखना है कि मैं कैसे रोल करूँगी, आपने भी उसी तरह रोल करना है और उतनी देर रोल करना है, फिर जाके उसके ऊपर क्रम्स बनेंगे। अगर आप जल्दी करेंगे तो उस पर क्रम्स नहीं बनेंगे। मीडियम से कम आंच पर फ्राई करें। मैंने इसलिए आपको आंच दिखाई भी है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह।